महाराष्ट्र में कहीं पर भी अकलियों तो जुल्म हो रहा है, वहाँ पर आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको 6-6 घंटा ऑफिस में मिलाकर बैठाया जा रहा है और ये बोला जा रहा है कि आप अपनी ज़बान बीजेपी के ख़िलाफ़ ना करें, उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पस मंज़र में मालेगांव शहर से बार एसोसिएशन के नायब सदर नवीद अख्तर साहब ने हमसे पिछले हफ्ते में राब्ता किया, हम भी उनके राब्ते में थे और हम लोगों ने बताया कि जब 12 नवंबर का वाकया हुआ उस वक्त तो क्या पुलिस की पोजीशन थी, जरा से पथराव में क्या किया गया और उनको ज़मानत लेने में 12 महीना क्यों लग गया। वकीलों को ये मालूम है क्योंकि ये जज और पुलिस के बीच में रहते हैं, ये पूरे देश के हालात जान रहे हैं। आज अगर कोई आवाज़ उठती है फिरका परस्तों के खिलाफ, आरएसएस के खिलाफ, तो उनको हर तरीके से दबाने की कोशिश की जाती है। 2014 से बाद से ये सब मामला ज़्यादा हो गए, तो हमको वकील साहब ने एक मिनट में हमको कहा कि मेरे को हर पार्टियों ने पहले बुलाया है, साथ में रखने के लिए कहा है, मगर आज के हालात देखने के बाद मुझको एक लीडर दिखता है अबू हाशिम आज़मी जो फिरका परस्तों का मुकाबला कर रहा है, इसलिए मैं ये ओहदे के लिए आपको ना नहीं करूँगा। मालेगांव शहर में अगर आप मसाइल देखेंगे तो मसाइल का अंबार है, ये वकील हैं, ये नदी उस पार ज़्यादा रहते हैं, मगर इस तरफ आओ तो हमारे हिस्से में ये दिखता है कि दो रुख है, कॉरपोरेशन का सौतेला सलूक दिखता है। हज़ार खोली की पहली गली का मामला देखिए, कमिश्नर आया और देखा गटरे की क्या पोजीशन है, हज़ार खोली में हर हिस्से की रोड बन गई, वहाँ किसी ने कुछ नहीं कहा, दो रोड बना दिया गया, मगर एक सौतेले सलूक की वजह से पहली गली बाकी थी और वो बनने का टाइम आया तो हर एक ने कहा पहले अंडरग्राउंड गटर बनना चाहिए। शहर में हर तरफ सड़कें बनाई जा रही है मगर 500 करोड़ के करीब अंडरग्राउंड गटर का भी रुपया आया है, उसका भी ठेका निकलने वाला है। मैं पॉलिटिकल स्टूडेंट रहा हूँ, सियासत में बड़ी दिलचस्पी है, लेकिन सियासी लोगों को देखते हुए, उनकी न्यूज़ों को देखते हुए, हमेशा मैं इस निष्कर्ष पे पहुँचता था कि सियासत बड़ी गंदी चीज़ है, जो इसमें जाता है गलत पैसे गलत रुख इख्तियार कर लेता है। तो हमेशा से मुझको तलाश थी कोई ऐसा बंदा है जो हमारे अपने शहर में बेदाग कोई हो, कोई ऐसी पार्टी रहे जिसको मैं ज्वाइन करके समाजी जो खिदमात का दायरा वसी कर सकूं। और देखिए हिंदुस्तान भर में जो है, चूँकि मैं बताया कि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूं, तो अक्सर मैं रोज़ जो है न्यूज़ और ये सियासत का ये करता रहता हूँ मुताल, तो मैंने एक चीज़ देखी कि यहाँ पर जो है 100 पार्टियाँ अपने आप को सेकुलर बोलती हैं, लेकिन आज तक सेकुलर हैं क्या? इस मामले में जो है मैंने मुहासबा किया लोगों का, अपना भी मुहासबा किया इस बारे में, मुझको ऐसा लगा कि सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी ऐसी पार्टी है जो सच मानों में सेकुलर है, वो समाज के हर तबके को जोड़ करके चलती है, नीचे कोई ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा हो, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे कुचला हुआ हो चाहे ओबीसी हो चाहे ब्राह्मण हो चाहे मुसलमानों में जो किस्म की भी जो चीज़ें हैं जो ज़ात हो, हर किसी को लेकर के चलने वाली है समाजवादी पार्टी है।